जहां एक ओर प्रदेश सरकार आदिवासियों को अनेक योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक गरीब आदिवासी की जमीन में कुछ अधिकारियों एवं ठेकेदारों ने मिलीभगत कर बिना परमिशन के अवैध तरीके से अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कर दिया। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल खंडवा जिले के ग्राम गधड़िया के कुछ आदिवासी लोगों द्वारा जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने जनपद पंचायत खालवा में पदस्थ अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए वर्ष 2022-23 में अमृत सरोवर तालाब निर्माण शासन के नियम विरुद्ध व ठेकेदार एवं अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण करने की बात कही। मेरे खेत में तालाब अमृत तालाब बांधने के कारण से मैं आया। तालाब बिना पूछे खुदा गया। आप कहाँ गए थे जब तालाब खुदा? जब मैं बाहर गया था शादी में। अच्छा, आपके घर कोई नहीं था? घर बच्चा था, तो बच्चा तो कहीं नहीं गया बेचारा घर से। कब खुदा ये तालाब? ये पिछले साल गर्मी में हम शिकायत करने का सोचा था, लेकिन वो हमको बोला था कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा करके हमको थोड़ा गया था। उसके बाद फिर बनाया तालाब, पहले बारिश में फूट गया। फूटने के बाद नीचे वाला जमीन हुआ था, वहाँ घुस गया, फसल भी घुस गया, बहुत नुकसान हुआ। बलिराम, ये जो तालाब बना है इधर, वो तालाब वाली जमीन पट्टे में कौन की थी? पुणे पे कही है, अपना मिसेस का नाम। तुम्हारे मिसेस के नाम से? तो ये जो अमृत सरोवर जो तालाब बनाया, तो इसमें तुमसे पूछा गया था कि नहीं तालाब बनाना है? नहीं बनाना नहीं पूछा। पूछा भी नहीं, नाम दस्तखत भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया। उनके मन से बना दिया से, उसका मन से ही कर लिया है ना। और तुम शादी पे गया था? तुम भी आओ माया, है ना। चलो, उन्होंने ये जो अमृत सरोवर बना तो दिया है, इसका जो पानी जो निकासी है तुम्हारे खेत के अंदर में से, ये मट्टी पत्थर कहीं नहीं था, काला जमीन था, काला जमीन था। और ये कुआं भी बूर दिया उन्होंने, है ना। पानी एक घंटा भी नहीं चल रहा अभी, है ना। इतना साल मतलब गर्मी में हम फसल बोता मंग भी बोता था, और अब इंजन एक घंटा भी नहीं चल रहा। इसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेकर जांच करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एम्प न्यूज, उदयनगर।